गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुबह की राम राम। यार भैया हो गई है सुबह, आज कुछ भी नहीं किया। कल रात लगभग 12 साढ़े 12 तो बज गए थे, एडिटिंग करते करते हम लोग चले गए थे घूमने के लिए दीदी और मैं और अंजलि। खाना वाना खाया, थोड़ी देर आया, फिर एडिटिंग करते करते लगभग 12:30 के ऊपर हो गया था टाइम। तो सुबह थोड़ा सा लेट हो गया, लगभग 6:30 बजे के आसपास उठा। उसका क्योंकि अभी जाना है दिल्ली को, तो बस अभी तैयारी चल रही है रोज का। जब तक आम खत्म नहीं होंगे तब तक अपना नाश्ता भी खत्म नहीं होगा, है नहीं है। और दीदी लगी है सुबह सुबह सारे मैसेजेस पढ़ने में, न्यूज़पेपर्स की कटिंग। ये देखो ये चल रही दीदी की सारी। जी लोग गए हैं दिल्ली तो वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं। सुबह 6 बजे उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो चलो भाई मैं कर लेता हूँ जल्दी से नाश्ता, फिर उसके बाद निकलना है और फिर रास्ते में देखते हैं। तो भैया निकल गए हम लोग अपने सफ़र के लिए और लेके चलते हैं अपने मित्र को। तो सीक्रेट मित्र है मेरे, अभी लिक नहीं कर सकता, बहुत को दिक्कत हो सकती है। मुझे भी बाद में मालूम पड़ा था कि इससे दिक्कत हो सकती है, उससे पहले नहीं मालूम था। तो उनको लेके निकलते हैं और पहला है आज काशीपुर का पड़ाव, फिर उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो देखते हैं काशीपुर की मीटिंग कैसी रहती है। फिलहाल तो अभी सफ़र तय करते हैं और चल रहा हूँ, अभी पहुँच गया हूँ कुसुमखेड़ा। ये यहाँ पर हम लोगों ने एक दिन खाना खाया था जंगल फीस्ट का, तो यहीं पर को देख करके हम लोगों को आई थी समझ कि यार चलो अपना भी एक रेस्टोरेंट करेंगे। तो हम लोगों ने भी पिथौरागढ़ में एक रेस्टोरेंट खोला था पहाड़ी विला के नाम से, और उसका जो पूरा इंटीरियर था वो मैंने खुद अपने हाथों से किया था। बट कोविड की वजह से रवि को और मेरे को बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा सा गलतफहमियाँ भी हुई। तो चलो बहरहाल वो अपनी जगह खुश है, हम अपनी जगह खुश हैं। तो यार आ गए अभी अपने दोस्त के घर की तरफ, तो चलो घर से उनको पिक करते हैं और फिर निकलते हैं और शुरू करते हैं आज से वापस से अपनी जर्नी। कैंगन जर्नी बेल्ला होने वाली है। देखा मेरे को बहुत लोग मेरे से कहते हैं ना, यार तू खाली ब्लॉग ही बनाते रहता है, दिन भर तो कुछ करता नहीं है। तो मैंने कहा यही तो कैंगन ने दिया है, कुछ नहीं करना है, बस घूमना है, मस्ती करनी है। 2 साल काम किया था और ये 2 साल का मेरे को वापस मिल रहा है, अरे जिंदगी भर मिलेगा और तब तक मिलेगा जब तक मैं ना छोड़ूं तब तक। तो चलो अपनी तो गली आ गई, निकलते हैं। तो भैया ले लिए है अपने दोस्त को साथ में और अब निकलते हैं। ये पीछे रखा है उनका अपना सामान, ये देख अभी फोटो नहीं दिखा सकता, पंगा हो जाएगा पंगा। मुझे पता होता पंगा होने वाला है, मैं दोस्ती नहीं करता। चलो फिर देखते हैं। तो यार हो गई एक छोटी सी गलती, आ गए थे मुरादाबाद को और रास्ता ले लिया गलत। तो भाई साहब इतना जहर रास्ता है ना यहाँ, मतलब इतने बड़े गड्ढे हैं कि टायर पूरे अंदर घुस जा रहे हैं। अभी दिखाऊंगा अगर आएगा तो, बीच बीच में इस तरह से रोड है, वो देखो आगे देखिए रोड डामाडोल, अभी देखना ये देखो ये घुसी गाड़ी अंदर, ये देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं देखो ये सामने। अरे भाई साहब पूरी गाड़ी अंदर घुस जा रही है टायर उसके। तो यार आज का सफर ना लग रहा होने वाला है खतरनाक। ये देखो अब ये गई गड्ढे में, ये घुसी गाड़ी। अरे कहाँ दिखा रहे हैं, पीछे बाइक वाला भी तो है। तो भैया चलो आज का सफर लग रहा है मेरे को चेतावनी भरा होने वाला है। गाड़ी बेचारी भी कह रही है मालिक कहाँ लेके आ गए मेरे को। चलो मिलते हैं, देखो कहीं से मिलता है तो हाईवे को कटते हैं उसके बाद। तो यार बड़े धक्के खाते खाते हम लोग ना अब पहुंचे हैं हाईवे के अंदर पे। अब जरा जान पे जाना ये, नहीं तो भाई साहब शहर के अंदर जो घुसे और ट्रैफिक था, एक छोटा सा गलत रूट लेने के चक्कर में, और सबसे ज्यादा ना ये बेवकूफ बनाता है नेविगेशन, तो इसने अंदर डाल दिया शहर के और फिर जो अंदर घूमे हैं। तो चलो बहरहाल अभी तो अभी बेस्ट लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, रोड भी पूरी खाली है और एक तरफ ये ट्रैफिक दोनों एक ही तरफ को डाल रखा है क्योंकि अभी कांवर का स्टार्ट हो जाएगा। तो योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा कि एक रूट पूरा कांवर वालों को दे रखा, तो उससे क्या ना ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ट्रैफिक लगता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार भी आई थी पिछले साल तो भी महसूस नहीं हो रहा था कि हम लोग ट्रैफिक में हैं, तो बहुत ईजीली सबका आना जाना सब कुछ हो रहा था और कांवर वाले भी बड़े आराम से एक तरफ से पूरा आ जा रहे थे। तो भैया लग गई है भूख, अब करते हैं खाना क्योंकि कल रात भी
दो मिस्सी रोटी खाई थी और थोड़ा सा पनीर खाया था, और आइसक्रीम से पेट तो भरता नहीं है। तो अब चलते हैं कहीं अच्छे से ओके होटल पे और लेते हैं। अब ये सिवा ढाबाओं ने भी ना दिमाग खराब कर रखा, असली सिवा ढाबा, यही सिवा ढाबा, माँ कसम यही सिवा ढाबा, पता नहीं क्या क्या सिवा ढाबा। तो कहीं पर देखते हैं और अच्छा सा भी करते हैं भोजन का अपना प्रबंध। तो फिर मिलते हैं, देखते हैं कहाँ खाया जाता है खाना, मेरे लिए भी सरप्राइज ही है अभी तक। ये यार आज का सफ़र पूरा अकेले अकेले हो गया, आज के सफ़र में बोर हो गया, पूरे दिन भर ड्राइविंग ड्राइविंग ड्राइविंग, खाने के लिए भी नहीं रुका पता है, अब भूख भी लग रही है यार। असली सिवा ढाबा के चक्कर में एक भी सिवा ढाबा भी नहीं रुके। अब फिलहाल तो तेल भराने आए हैं और पेट भी थोड़ा भारी भारी हो रहा था तो खाली करके आए, कैसा वाला। चलो निकलते हैं, देखते हैं कहाँ होता है खाना नसीब। फिर यार भूख के मारे हो गई थी हालत ख़राब, और लास्ट में फिर एक चीज़ मिली, ना मामा ढाबा मिला ना कुछ मिला, ना हल्दीराम बीकानेर कुछ नहीं। दिखाता हूँ आपको, रुको ये देखो, बड़ा मोड कचड़ी कचौड़ी राजमा चावल और कढ़ी चावल ये खा रहे हैं। तो यार भाई साहब मतलब ऐसा टेस्ट है ना इसका, तो ये 5 स्टार को फिल कर रखा है। अभी भूख की वजह से फिल हुआ है, यानी यार टेस्ट तो रियल है यार, मतलब मज़ा आ गया खा करके। तो इनका जो खाना है, और एक अच्छी चीज़ क्या है ना, ये रोज़ ताज़ा बनाते हैं और इनका ख़त्म होता है दूसरे दिन फिर ताज़ा बना लेते हैं। मोस्टली बड़े होटल्स में क्या होता है, जो बचा वो दूसरे दिन काम ले लेते हैं ऐसा, क्योंकि हमारा खुद का रेस्टोरेंट तो हमने देखा है यानी, तो थैंक यू तो है नहीं। अब इनका क्या ना लिमिटेड है, देखो अब इतना इसका ढाबा साइकिल में लेके आया है, अब कितना जो इसने बनाया होगा थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, ये घर चले जाएगा। तो अच्छा खाओ अपने को भी अच्छा मिल जाता है, तो ये है। तो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं, देखो यार आया मज़ा। तो फिलहाल हम ले लेते हैं खाना, मिलते हैं आपसे बाद में। यार अभी पहुंच गए हैं जहाँ मीटिंग होनी थी, अभी बस उनके घर के बाहर खड़े हैं। तो दिल्ली में इतनी हौच पौच होती है ना सच में यार, इतनी बार दिल्ली आ गया हूँ अभी तक समझ में नहीं आया कि किस गली से आया, किस गली से निकला, कब कहाँ गया था, सब एक जैसा लगता है। एक रोड गलत पकड़ लो भाई साहब, पीछे 20 किलोमीटर घूम के गए हम लोग, 20 किलोमीटर तब जयपुर जा रहे थे उस दिन लास्ट टाइम। तो यार अभी देखो इनके घर तो पहुंच गए, अब देखो कहां पर इनका घर अभी पता लगेगा कि है कहां पर। अभी गए हैं भैया ढूंढने के लिए उनको, ये मेरे अदृश्य भैया जिनको दिखाना नहीं है मैंने किसी को। तो यार अभी निकल गए हैं मीटिंग करके और अभी फंसे हैं दिल्ली के जाम में। ये देखो ये रहा अपना दिल्ली का जाम, अगर थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊंगा ना पूरी नदी जैसी दिखती है यहाँ पे, रेड लाइट की पूरी नदी। यार मीटिंग तो रही बहुत अच्छी, और होप यहाँ हम लोगों ने शायद परसों फिर आएंगे तो लगभग 10 लोग यहाँ पर बैठेंगे। जब हम लोगों ने उनको कैंगन के बारे में बताया ना, दे ऑलमोस्ट मतलब वो सारे के सारे शॉक्ड थे भाई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और वो सब इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनके नौकरों के पास BMW है नहीं, तो अब सोचो है नहीं, और उनको नहीं पता है। और जब उनको दिखाया तो बोले यार ये अगर नहीं होगी ना तो पूरा घर हमारा अधूरा है। तो चलो अब जा रहे हैं गेस्ट हाउस में, और वो गेस्ट हाउस जिनका है वो कौन है वो बताऊंगा आपको जब पहुंचूंगा वहाँ पे। यहाँ की बहुत बड़ी नामचीन हस्ती हैं गुड़गांव की, ठीक है तो मिलते हैं वहीं। सो ओके यार अभी आ गया हूँ गुड़गांव इमरजेंसी में। असल में यहाँ पर एक मित्र हैं तो उनकी बेटी एडमिट है, तो मुलाकात करते हुए यहाँ से निकलना था तो अभी यहाँ पहुँच गए हैं। आज का पूरा दिन लगभग ट्रैवल में निकला, अभी देखो उनसे मुलाकात होती है तो फिर जाना है फार्म हाउस पे जिनका आपको बताया था। अभी जब पहुँचूंगा उसके बाद बताऊँगा फार्म हाउस है किसका। तो बहुत बड़ी हस्ती है और साइलेंट हस्ती है, और उनका फार्म हाउस मैंने जो सुना था इतना बड़ा था कि जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो उसको डेकोरेशन करने के लिए 3 महीना लगा था, ठीक है। तो अभी चलेंगे तो तब आपको दिखाता हूँ, फिलहाल भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर। तो ये है इमरजेंसी वाला इनका हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या दिखाऊँ यार अपने उसको, सब जगह के एक ही हॉस्पिटल होते हैं। तो फिलहाल चलो गले में मिल लेता हूँ फिर चलते हैं। तो यार हम आ गए हैं अभी फार्म हाउस पे, और यहाँ पर बाहर पे रखे हैं बढ़िया से हुक्के, और पीछे भयंकर अच्छी प्रॉपर्टी। अब देखो अगर रात रात में तो दिखेगी नहीं प्रॉपर्टी,
बट बहुत बड़ी आलिशान प्रॉपर्टी है यार। और ये है उनका, जिनका गुड़गांव में अपने तो वो उन्हीं के हैं अपने, तो उनकी प्रॉपर्टी में हम लोग आज आए हुए हैं। आज का स्टे हमारा यही है, खाते हैं पीते हैं और फिर यार बहुत मतलब सुबह से सोचो ड्राइव ही कर रहा हूँ बस लगातार, और दिल्ली का जैसा ट्रैफिक, तो थोड़ा सा एडिट करते हैं और फिर सोते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो यार आ गए हम लोग अभी अंदर, तो इंटीरियर तो अच्छा है यहाँ का, हमको जो भी इन्होंने दिया हुआ है रूम दिखाता हूँ आपको। ये है अपना सिटिंग एरिया और इसके अंदर पे है अपना ये अपना बेडरूम एरिया, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छी है नो डाउट। तो चलो आज फिलहाल पलंग तोड़ते हैं और आराम करते हैं, और बाकी कल करते हैं बाकी मुलाकात। ओके गुड नाइट। और वो एक चीज़ मत भूल भैया, मैं जो लास्ट में लिखी है इसके बाद, चलो बाय।